वालेकुम अस्सलाम। यहाँ से ले जाओ तुम्हें। तरह तुली भी हो वो मैं जरा हाय मुझे काम है। बाबू बंदा हूँ मैं। आज मेरे साथ नाश्ता कर। उधर तेरी गड्डी किधर है? इस बात कर रहे हो? एटेंशन नहीं ऑन करनी तूने। क्या हाल है? तू अपनी दुश्मन बनने पे काम होते रहेंगे। एक बात कान खोल। नहीं आप तो मेरी नजरों के सामने से ले जाओ यहाँ से। अलगा बाप संभल के वाले देख के बात कर रहे होते हैं दूर रतन से। कहकर संभल के बाद में सोचता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारा ख्याल भी आ जाता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लेकिन तब्रेज़ अगर उसी वक्त सही रास्ता कर लेता तो आज दोनों के साथ नाइंसाफी ना होती। तब जो संभल को की बात कहता है कि दुर्योधन के साथ मेरी वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा नाइंसाफी हो चुकी है, मैं अब नहीं चाहूँगा कि दुर्योधन मेरी वजह से और ज़्यादा गम सहे। संभल जब ये बात सुन रही होती है तो गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है। तब्रेज़ वापस आ संभल के वाले देख के बात कर रहे होते हैं दुर्योधन से। कहकर संभल के बाद में सोचता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारा ख्याल भी आ जाता है कि तुम्हारे